गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मैथ्स एडुकेशन इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। तो अभी हम लोगों की प्रॉब्लम की बारी है। पिछले लेक्चर में आप लोगों को प्रॉब्लम दिया गया था, दो क्वेश्चन। चलिए उसको करते हैं और आप चेक करो। तो देखो, क्वेश्चन था यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाई द कर्व 2y + x इज इक्वल टू 8, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट में लिखा जा रहा है, शॉर्ट में। कर्व है 2y + x इज इक्वल टू 8, एक्स एक्सिस और लाइन है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। चलिए इसको करते हैं। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट में लिखा गया है। गिवन इक्वेशंस आर 2y + x इज इक्वल टू 8। तो देखने से भी लग रहा है ना कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग इसका कटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं ना, जब भी स्ट्रेट लाइन मिले तो आप लोगों को एक बार एक्स का कटिंग और वाई का कटिंग फाइंड आउट करके रख लेना है। तो फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 डालो तो 0 × 2 = 0 + x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ x इज इक्वल टू आया 8। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइंड वाई व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 रखेंगे ना, तो 2y = 8, 2y + 0 = 8। तो यहाँ से y = 4। तो इस इक्वेशन से पता चल गया, इसका हम लोग जो प्लॉट करेंगे तो पता चल गया कि x इंटरसेप्ट जो मेरा है वो 8 है और y इंटरसेप्ट मेरा 4 है। तो इसका हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे। दूसरा x एक्सिस है, उसमें तो कुछ सोचना है नहीं, x एक्सिस है तो है। तीसरा है x इक्वल टू 2, तो एक पैरेलल लाइन होगा जो 2 डिस्टेंस ओरिजिन से होगा y एक्सिस के पैरेलल, और एक लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा और ओरिजिन से 4 डिस्टेंस। चलिए तो हम लोग क्या करें ना, इसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो इसमें तो कुछ प्लॉटिंग करना नहीं है, इसमें तो कुछ सॉरी प्लॉटिंग का पॉइंट तो निकालना नहीं है। जो प्लॉटिंग का पॉइंट था वो तो निकल गए, तो देखने से ही लग रहा है ना, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं। अगर सपोज अगर यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन होता ना, तो उसको फिर से ऐसा फाइंड आउट करके यहाँ फाइंड आउट करके लिखना पड़ता इसको। तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ना, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू 8 आ रहा, एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 4। सपोज एक्स यहाँ 8 आया और 8 वाई 4 आया, ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन बनाएंगे। और इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ना, वो 2y + x = 8। और दूसरा एक लाइन है x इज इक्वल टू 2, तो ये पैरेलल होगा ना। तो सपोज यही 2 डिस्टेंस पे हो रहा है, 2 x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया। और x इज इक्वल टू 4, तो ये थोड़ा सा आगे होगा ना, 8 से तो कम ही होगा, 2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ एक लाइन हो गया, इसका इक्वेशन हो गया ना x इज इक्वल टू 4। आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन और x एक्सिस, देखो ये लाइन x एक्सिस x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के बीच का जो एरिया है यही एरिया है। तो एरिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ना, रिक्वायर्ड है, यही लिख देते हैं ना, रिक्वायर्ड एरिया 2 × 2 = 8 और 4 अरे यहां एरिया बना, इसका कटिंग 4 है ना, यहां 4, तो 2 × 4 और 2 × 4 के बीच मेरा जो कर्व है ना, यही कर्व है जो स्ट्रेट लाइन है। तो एक इसका वैल्यू लिए ना हम लोग x एक्सिस का, यहां से वाई का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ना 8 - x / 2।
तो यहाँ रखिए 8 माइनस एक्स बाई टू डी एक्स, इसी को सोल्व आउट करेंगे हम लोग, फिर निकलेगा वैल्यू, मिटाते इधर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर हो गया ना, 1/2 बाहर हो गया, क्या बचा अंदर में, 2 to 4 8 माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करते हैं तो हाफ हो गया इसका इंटीग्रेशन, 8 का कितना हो गया ना 8x, और x का कितना एक्स स्क्वायर बाई टू, वैल्यू डालिए तो हाफ आया, यहाँ 4 रखते हैं ना तो 32, और यहाँ 4 रखते हैं ना 16/2 8, और यहाँ 2 रखते हैं ना 16, और यहाँ रखेंगे तो कितना, यहाँ 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा, तो 1/2 ये कितना हुआ ना 24, और ये कितना हो जाएगा 14, तो हो जाएगा ना 1/2 × 10 5 स्क्वायर यूनिट, अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन अगर आपको जेई में, ये तो बोर्ड का हो, बोर्ड बोर्ड के लिए सब इतना लिखना पड़ेगा ना, अगर जेई मेन में सपोज यही क्वेश्चन पूछा तो देखो हमको एरिया इसी का निकालना है ना, तो देखो ये ट्रेपिजियम है, ये पैरेलल साइड है और ये हाइट है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ना, ये फिगर जैसे ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या पढ़े ना, एरिया जो पढ़े ट्रेपिजियम का पैरेलल साइड का सम होता है ना, तो पैरेलल साइड कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो हम लोग देख लेंगे ना यहाँ कटिंग क्या आ रहा है, तभी तो ये निकलेगा ना कितना डिस्टेंस ये है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये लाइन में इस लाइन का इक्वेशन को देखो, यहाँ कटिंग निकालना है तो ये दोनों कर्व को सोल्व कर देंगे, तो इसका इक्वेशन क्या है x इजिकल टू 2, और इसका इक्वेशन क्या है 2y + x = 8, तो 2 यहाँ डाल देते हैं ना, 2 यहाँ डाल देते हैं, तो 2 यहाँ डालेंगे तो इधर जाएगा तो 6, और 3 आएगा यहाँ, 3 आ जाएगा यहाँ, 2 डालेंगे ना उधर जाएगा तो 6, और 2 से डिवाइड 3, और फिर यहाँ यहाँ ये पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे, तो ये 4 यहाँ डालते हैं 4, तो यहाँ 4 आएगा और इधर आएगा तो 4, और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ रहा है, तो चलो 1/2 पैरेलल साइड कौन कौन सा है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया ना 1, पैरेलल साइड का सम होता है, और फिर यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा ना 2, हाँ, और ये तो डिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा ना, 3 ये डिस्टेंस इतना 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ हाइट कितना 3, और यहाँ से हाइट कितना 2, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल साइड का सम, तो ये डिस्टेंस एक काम करते हैं ना हम लोग, ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस 3 2 हो रहा है ना, यहाँ एक्स का वैल्यू 2, तो वाई का वैल्यू 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और यहाँ डिस्टेंस है 2 0, वैसे ही यहाँ डिस्टेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, और यहाँ 4 0, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला से और ये डिस्टेंस फार्मूला से, और दोनों साइड सम करके और हाफ कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आप कर लीजिएगा इसको, ये शॉर्ट है ना, ट्रेपिजियम का एरिया निकालना है ना कोऑर्डिनेट यूज करके, तो आप खुद कर सकते हैं ना, ये देखो पॉइंट, ये तो 2 है और ये 4 है, यहाँ इसको पुट करके ना, इसको और इसको सोल्व करके यहाँ पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसको और इसको सोल्व करके यहाँ पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, और 1/2 × पैरेलल साइड का सम, ये डिस्टेंस सम करके और कर लेंगे, 1/2 × पैरेलल साइड का सम होता है, इंटू कितना हाइट, हाइट कितना, हाइट ये वाला है, ये वाला हाइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो जाएगा ना आपसे, होगा या नहीं होगा, कर दूं, देखो हाफ
पैरेलल साइड देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस है ना, ये जीरो है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ वाई थ्री है ना, तो थ्री, और ये डिस्टेंस कितना ना, ये टू, वाई टू है तो टू, तो वन बाई टू इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, तो इसका हाइट कितना है ना, यहाँ फोर है यहाँ टू है, तो टू हो जाएगा ना, टू टू कैंसिल, कितना फाइव स्क्वायर यूनिट्स। तो बिना कैलकुलस यूज किए अगर फिगर ड्रॉ हो गया ना तो डायरेक्ट एरिया निकलेगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ना, उससे पहले आपको कुछ जानना भी जरूरी है। जैसे देखो, आपको बताया गया था ना, आपको पहले बताया गया था कि ऐसे अगर कोई कर्व है तो उसको ऐसा इक्वेशन अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको बताया गया था ना कि ये कर्व जो होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला होता है। फिर आपको बताया गया था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो होता है वो डाउन राइट वार्ड पैराबोला, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर राइट वार्ड पैराबोला। अच्छा, अगर आपको यहां माइनस एक्स स्क्वायर दे दे तो डाउनवर्ड, और x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर दे दे तो लेफ्ट वार्ड। अब देखो, इसका वर्टेक्स सब ओरिजिन है, जीरो 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 जीरो, बट अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दे देना ऐसा, यहां देखो y माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो कंपेयर करो ना, देखो y y, ये देखो ये y है ना, और ये क्या है x है, तो यहां भी इसको हम लोग देखेंगे ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अरे हम लोग इसको अगर x ले लेते हैं ना, यहाँ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां लिखते ना एक्स स्क्वायर, तो y क्या है ना, ये अंदर वाला वैल्यू है, और x क्या है, ये अंदर वाला वैल्यू है। तो इसका हम लोग वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका वर्टेक्स हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, ये जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं ना, y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा ना, y इज इक्वल टू थ्री, और इसको हम लोग पुट करते हैं ना जीरो, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू टू। तो अब जो पाराबोला बनेगा वो पाराबोला का वर्टेक्स होगा x इज इक्वल टू टू, तो सपोज ये हुआ टू, और y थ्री मतलब y थ्री यहां, और देख रहे हैं ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अपवर्ड पाराबोला होता है ना, तब ऐसे हो जाएगा, मतलब यहां जीरो नहीं रहा, अब वर्टेक्स क्या हो जाएगा, अब यहां वर्टेक्स हो जाएगा ना टू थ्री टू थ्री। इसको भी देखो एक्चुअली माइंड में से रखना है ना, y माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, इसको सोल्व करो, y माइनस देखो इसको सोल्व किया, y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू थ्री, वैसे ही सोल्व करो ना, y माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ x इज इक्वल टू जीरो, तो वर्टेक्स क्या था ना, यहाँ जीरो जीरो था। नहीं समझ में आया, चलो एक चीज और करके देखते हैं, कहीं ऐसे लिखा हुआ है x माइनस थ्री इज इक्वल टू y माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, देख रहे हैं x है और ये y है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, इसको इसको क्या समझ सकते हैं ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी तो ये पाराबोला का जो शेप होगा ये तो पक्का है ना, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट वार्ड तो बनेगा, हाँ क्या बनेगा, लेफ्ट वार्ड बनेगा, तो चलिए लेफ्ट वार्ड बनेगा, बट कहां से बनेगा ना ये देखना है, कहां से बनेगा, तो इसको पुट करेंगे ना, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू थ्री, और y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू वन, तो x का वैल्यू थ्री, यहां थ्री, और y का वैल्यू वन, ऐसे कुछ। अब यहां तो वर्टेक्स आएगा ना, अब देख लेना x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर कौन सा, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर कैसा, लेफ्ट वार्ड, तो यहां से ऐसे। अब ये कहां कटिंग करेगा ना, इसको और इसको सोल्व करना पड़ेगा, बट ऐसे होगा सेप। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा जानना जरूरी था, पैराबोला का वर्टेक्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे उसका तो वर्टेक्स ओनली ओरिजिन पढ़े थे।
ये तो आपको बताया गया था ना कि जैसे ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, तो इसका जो सेंटर होता है वो जीरो जीरो और रेडियस आर। अगर आपको बोला जाए कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, तो इसका अब सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, इसको हम लोग पुट करेंगे जीरो, तो एक्स माइनस एच इजिकल टू जीरो, तो एक्स इजिकल टू एच। फिर y माइनस के इजिकल टू जीरो, तो y इजिकल टू के, तो अब जो सेंटर हो जाएगा ना, अब सेंटर हो जाएगा एच के, और रेडियस तो आर ही होगा, तो इसका फिगर कैसे बनेगा ना, अब ऐसा नहीं बनेगा, इसमें कैसे बन रहा था ना, इसमें तो जीरो जीरो था ना सेंटर, अब यहां सेंटर एच के हो जाएगा ना, अब सेंटर क्या हो जाएगा, एच के हो जाएगा। तो यहां सपोज x से यहां h हो गया, सपोज h, और यहां ये यह हो गया k, तो यहां से यहां मिलाइए और यही कुछ सर्किल बनेगा। और यहां सेंटर क्या हो जाएगा, h के, और रेडियस कितना हो जाएगा, r, तो ये रेडियस हो जाएगा r। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप समझेंगे कैसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं। आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया था ना, उसमें क्वेश्चन है ड्रो द रफ स्केच ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और दूसरा था कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ड्रॉ द ग्राफ स्केच ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन एंड डिटरमाइन एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू कर्व। इसका ग्राफ हम लोगों को करना है और फिर से एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, गिवेन इक्वेशंस आर, यहाँ दिया हुआ ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो देखो ये जो अगर नहीं रहता ना तब तो पता चल जाता ना कि ये पाराबोला है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो कौन सा पाराबोला, ये जो पाराबोला राइट वार्ड पाराबोला, बट यहाँ दिया है ना वन दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको इधर कर लो x प्लस वन, और इसको लिख सकते हैं ना वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, अभी आपको सिखाया गया था। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से y माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू जीरो, तो जो वर्टेक्स आ गया वो माइनस वन जीरो। एंड जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको इधर लिखते हैं ना माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक साइड कभी निगेटिव होता नहीं है, तो ये माइनस कमन कर लो, तो एक्स माइनस वन हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये माइनस को उधर हम लोग भेजेंगे ना, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि जो सेफ होगा ना वो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो या तो ये पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, या अगर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये पॉजिटिव, अब जिधर एक्स स्क्वायर रहता है उधर निगेटिव हो सकता है, बट जिधर नहीं है ना उधर निगेटिव अब नहीं लीजिएगा, ये इसलिए बताया जा रहा है ना, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, बट जो बोर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ नहीं रहता है, बोर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ नहीं रहता है, इसलिए इसको ऐसे आपको सिखाया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा पूछता है। तो चलो ये जो है माइनस उधर हम लोग भेज देंगे ना, तो ये हो जाएगा ना माइनस इधर, ये माइनस इधर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग वर्टेक्स फाइंड आउट इसका करते हैं, इसको पुट कीजिए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हो जाएगा ना एक्स इज इक्वल टू वन, और एक लाइन और लिख लो इसको, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर,
तो कंपेयर कीजिए एक्स इजिकल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ना, वाई माइनस जीरो इजिकल टू जीरो, तो वाई इजिकल टू जीरो। यहां लिख भी सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं यहां, इट इज एन इक्वेशन ऑफ, यहां ध्यान दो, एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर, द राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट माइनस वन जीरो। और यहां देखने से लग रहा है ना एक्स इजिकल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कौन सा पैराबोला है ना, इट इज एन इक्वेशन ऑफ लेफ्ट वार्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स इज, यहां देखो 10 आया ना 10। अब चलिए इसको यूज करके हम लोग, एक का वर्टेक्स आया है माइनस 10 और एक का आया है 10, तो हम लोग इसको आप लिखो, मिटा रहे हम, तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो एक का वर्टेक्स आया है माइनस 10, तो देखो यही कहीं होगा ना ये माइनस 1, यहां जो पॉइंट होगा यही होगा ना माइनस 10 माइनस 10। और इसको आपको बताया गया था कि ये जो पैराबोला बनने जा रहा है वो कौन सा पैराबोला होगा, राइट वार्ड, तो राइट वार्ड पैराबोला कुछ ऐसा ही। और वर्टेक्स इसका माइनस 10 और दूसरे का 10 ना, तो यही यही कहीं पॉइंट होगा ना, जितना डिस्टेंस इधर माइनस 1 है उतना ही डिस्टेंस यहां कहीं 1 होगा ना 1। तो हम पता कर लेते हैं कि कटिंग, हम दिखाते हैं आपको कटिंग दिखाते हैं, इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इसका इक्वेशन लिख देते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो हम लोग रफ में क्या करेंगे ना, रफ में क्या करेंगे हम लोग, रफ में क्या करेंगे, अभी कोई पैराबोला जैसे ऐसे कोई ड्रॉ कर रहा है ना ऐसे, तो कोई बच्चा बोलेगा कि यहां कटिंग क्या होगा मेरा, यहां कटिंग क्या होगा, इसके लिए, इसके लिए तो इसका इक्वेशन और वाई एक्सिस को सोल्व किया जाएगा ना, इसका इक्वेशन क्या होता है वाई एक्सिस का, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां जीरो रख दीजिए, यहां जीरो रख दीजिए, तो जीरो रखिएगा तो कितना होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां जीरो, जीरो प्लस 1 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहां जो आएगा वैल्यू ये आएगा 1, तो 0 1 और यहां आएगा माइनस 1। ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए 1 आ रहा है। अब इस पैराबोला के लिए सोल्व कर लीजिए, तो ये पैराबोला का इक्वेशन ये है, इसमें क्या कीजिएगा ना, ये पॉइंट पे कट कर रहा है एक्सिस पे, तो वाई के लिए एक्स जीरो, तो यहाँ जीरो रखिए, तो यहाँ वाई स्क्वायर भी 1 आ रहा है, तो सेम सेम पॉइंट आ रहा है ना, इसके इसको भी सोल्व करने पे 1 आ रहा है और इसको भी सोल्व करने पे 1 आ रहा है, तो दोनों एक ही जगह से पास हो गए। ये रफ में कर लेना है ना, देखो फिर से बताते हैं, ये तो फिक्स हो गया ना इसका, ये तो फिक्स हो गया ना, अब ये कहाँ कट करेगा, ये कहाँ कट करेगा, तो इसका इक्वेशन ये जो और इस लाइन का दोनों को सोल्व करेंगे, तो जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट पता सोल्व करने पे जो आया अभी, ये 1 आ रहा है 1, तो 1 वाई का वैल्यू आ रहा है ना, तो यहाँ 0 1 लिखेंगे और यहां माइनस 1 आ रहा है, तो 0 माइनस 1। और फिर जो यहां से जो ये तो पता चल गया ना, ये तो पता चल गया ना माइनस 10 और ये पता चल गया है कौन सा 10, तो ये तो 10 पता चल गया। अब यहां से जो पैराबोला बना रहे ना ये अब कोई बच्चा सोचेगा कि इधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा कि इससे जाएगा, तो इसको और फिर इस लाइन को भी सोल्व किया जा रहा है, तो वहीं आ रहा है ना पॉइंट, तो वहीं आ रहा है, तो यहीं सेम, तो ऐसा फिगर बन गया। अब चलिए दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं जितना डिस्टेंस यहाँ है मेरा, नीचे ज़्यादा बड़ा बना है ना, बट जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, ये सब तो रफ स्केचिंग फिगर होता है ना, एक्यूरेट नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं लेना है, तो यहाँ जो है उतना ही इधर भी, तो हम क्या करते हैं ना, जितना इधर उतना ही इधर भी, हम लोग क्या करेंगे ना, एक एरिया फाइंड आउट करके और 4 से गुना कर देंगे, वही एरिया हो जाएगा।
तो चलो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। देखो दो तरीका है ना, जीरो से वन भी ले सकते हैं या जीरो से इधर वन भी ले सकते हैं। तो चलो अभी तक तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन था ऐसे लिया ना, इस बार हम लोग ये लेते हैं जीरो वन। तो जीरो से वन, एक किसका वैल्यू लिया है ना जीरो से वन, वाई का। जीरो से वन किसका, एक वाई एक्सिस का ना, तो जीरो से वन के बीच यही ना इक्वेशन है, तो इसका इक्वेशन लिख लो। हाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कौन सा एक्सिस है वाई, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू रखिए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। तो वन का हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई क्यू बाई थ्री, और यहाँ फोर से मल्टीप्लाई करना होगा ना, फोर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको करने से पहले आपको क्या करना है ना, जब वैसे आप बनाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फोर इंटू कलर्ड एरिया, फोर इंटू कलर्ड एरिया। अब फोर हो गया, अब कलर्ड एरिया मेरा यही है, इसको हम लोग फाइंड आउट करके फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई का वैल्यू लिए थे भी जीरो से वन, तो ये वाई एक्सिस था ना, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो हो जाएगा फोर। और इसको इंटीग्रेट कीजिए तो वाई माइनस वाई क्यू बाई थ्री, जीरो से वन वैल्यू डाल देते हैं ना, तो वन माइनस वन बाई थ्री, और ये तो जीरो हो गया ना, तो थ्री माइनस वन टू बाई थ्री, फोर एट बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीखे कि कैसे पाराबोला की इक्वेशन रहता है, तो हम लोग कैसे अभी जो वर्टेक्स था ओरिजिन नहीं भी रहे तो कैसे हम लोग कर्व स्केच करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन, क्वेश्चन लिख लो आप, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टू प्लस एक्स, y इज इक्वल टू टू प्लस एक्स। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाई द कर्व x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड एक दूसरा था। देखो ये तो देखने से लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये देखने से क्या लग रहा है, अब देखो कोई बच्चा सोचेगा कि अरे हम ये नहीं रहता ना, ये ऐसे रहता x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रहता तो हम लोग कर सकते ना x इक्वल टू वाई स्क्वायर राइट वार्ड या माइनस है तो लेफ्ट वार्ड, बट ये परेशान कर रहा है ना टू वाई। तो देखो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो गिवन इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या सोचना है ना, ये x है, अगर इधर ऐसा होके अगर हो जाए तो काम चल जाएगा ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको इधर लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस हो गया ना वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, और हम लोग क्या करें ना यहाँ प्लस वन माइनस वन कर दें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा ना वाई माइनस वन का स्क्वायर। देखो इसको हम लिख सकते हैं ना y माइनस वन का स्क्वायर, और यहां माइनस वन हो गया। अब x इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस वन।
अब वन को इधर हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं तो एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर। अब फॉर्म आ गया ना एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। देखने से पता चल गया ना कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर जो होता है वो राइट वार्ड, यहाँ माइनस है तो लेफ्ट वार्ड। अब इसका वर्टेक्स कैसे हम लोग करेंगे, तो वर्टेक्स के लिए इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, जो आएगा वही वर्टेक्स होगा। बट पाराबोला का शेप पता चल गया है कि ये लेफ्ट वार्ड पाराबोला होने वाला है। तो ये तो समझने के लिए अब यहां लिखेंगे वर्टेक्स, तो इसको जीरो कर लेते हैं, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आएगा एक्स इज इक्वल टू वन, और यहां y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां आने वाला है ना y इज इक्वल टू वन। तो लिखेंगे हम लोग इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज कौन सा पारा बोला, लेफ्ट वार्ड, इट इज लेफ्ट वार्ड पाराबोला हुज वर्टेक्स एट एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू वन। लेफ्ट वार्ड पाराबोला पर पैसे पता चला ना, एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है तो लेफ्ट वार्ड हो गया और वर्टेक्स क्या हो गया, वन बनाया। अब दूसरा एंड फिर से चलिए वाई इज इक्वल टू टू प्लस एक्स, तो कैसे करेंगे ना, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो, यहां अगर जीरो रखते हैं ना तो एक्स का वैल्यू माइनस टू, और फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां जीरो रखिए, एक बार एक्स को जीरो एक बार वाई को जीरो, यहां वाई को जीरो किए तो एक्स का वैल्यू माइनस टू, और यहां एक्स को जीरो कर रहे हैं ना तो वाई का वैल्यू टू आ रहा है। तो दोनों कर पता चल गया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट कहाँ है, और ये पाराबोला जो होगा वो किस टाइप का पाराबोला होगा, लेफ्टवार्ड पाराबोला होगा, उसका वर्टेक्स क्या होगा, तो उसका वर्टेक्स वन वन होगा। अब हम लोग दोनों फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, इतना हम लोगों को पहले ये सब पता करना पड़ेगा। बट ये सब लिटरेचर लिखेंगे बोर्ड के लिए, और अगर जेई में क्वेश्चन आता है या एनडीए में आप बैठे हो तो आप डायरेक्ट इसको क्या करो, रफ में करके समझो वर्टेक्स ये है और फटाफट बनाओ। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोग पाराबोला बनाते हैं ना वन वन, तो देखो यहां से वन, सपोज यहां डिस्टेंस वन, और जितना यहां है ना उतना ही यहां वन, तो यहां कुछ आने वाला है ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसका वर्टेक्स यही आएगा। अब वर्टेक्स यही आएगा तो पाराबोला लेफ्ट वार्ड बनेगा ना, मतलब पाराबोला ऐसे कुछ बनने वाला है, कैसे, ऐसे इधर ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे और ऐसे। तो ये पता कर लेना होगा ना कि जो पाराबोला बनेगा वो वाई एक्सिस पे कहां कट करेगा, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। तो ये रफ में हम लोग पता कर लेंगे, रफ में क्या करेंगे ना, रफ में देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका इक्वेशन और इस पाराबोला इक्वेशन, जो पाराबोला का इक्वेशन यहाँ है उसको सोल्व कर लेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। देखो कैसे करेंगे ना, देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, जैसे यहाँ देखो इसको मिटा दूंगा, अभी यहाँ आया ना, यहाँ सपोज पाराबोला इसे अगर बनता, लेफ्ट वार्ड तो बनने ही वाला है, तो यहाँ से ये पास करेगा, यहाँ से पास करेगा कि और नीचे से पास करेगा, कैसे पास करेगा बिना हम लोग डिसाइड किए तो हम लोग कर नहीं सकते ना, कहीं से पास नहीं करा सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे ना हम लोग, ये लाइन वाई है ना, इसका इक्वेशन एक्स इजिकल टू जीरो, और ये पाराबोला का जो इक्वेशन है एक्स इजिकल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ है एक्स इजिकल टू जीरो और यहाँ है एक्स इजिकल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो, यहाँ एक्स एक्स एल एच एस सेम है ना, तो आर एच एस बराबर कर लेंगे ना, तो टू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वाई कॉमन करो तो टू माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू टू, तो वाई का एक वैल्यू जीरो आ रहा है और एक टू आ रहा है, मतलब एक यहाँ जीरो और एक यहाँ वाई का वैल्यू टू, मतलब ऊपर आने वाला है ना, तो टू, यहाँ वन डिस्टेंस तो यहाँ टू डिस्टेंस, तो जीरो टू और यहाँ जीरो वन,
तो जो पाराबोला हम लोगों का हो रहा है वैसे, ऐसे कुछ पाराबोला बन रहा है। और अभी इस लाइन को सोल्व करें तो y का वैल्यू 2 है, तो देखो y का वैल्यू यही 2 है और x का वैल्यू -2 है, तो देखो -2 कहाँ आने वाला है, x का वैल्यू -2 तो यहाँ हो जा रहा है ना x का वैल्यू, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा -1 और यहाँ हो जा रहा है ना -2। इससे होते हुए एक लाइन बनाते हैं और ये पाराबोला को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना इसे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। तो ये तो पता चल गया ना कि ऊपर इसका कटिंग 2 है ना, यहाँ 2 है, बट नीचे इसका कटिंग क्या है ये पता तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम लोग को दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, हम लोग जो सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे ना उसमें इसको लिख चुके हैं ना, तो वहां हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर कर लेंगे और दोनों को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके पता करेंगे कि क्या होने वाला है। तो एक काम करते हैं, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कटिंग पॉइंट पता करना पड़ेगा। ये तो पता चल गया ना, बट यहां पता करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में यहां से x का वैल्यू डाल देते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा y-2, तो यहां डाल दीजिए y-2 इज इक्वल टू 2y-y2। तो इसको हम लोग इधर लाते हैं ना, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये आएगा वाई स्क्वायर और ये 2y इधर -2y एक y है, तो -y और यहाँ -2 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर -2y और +y -2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आने वाला है, y कॉमन कर लेते हैं तो y -2 और यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो y -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ +1 होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि y का वैल्यू एक -1 और एक y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू देखो 2 आ चुका है, जो यहाँ दोनों का कटिंग है 2 आ चुका है, और यहाँ क्या आ रहा है ना, यहाँ y का वैल्यू आ रहा है हम लोगों का -1, y का वैल्यू -1, तो इसको लिखना है तो -1, तो y का वैल्यू यहाँ हम लोगों को क्या आ रहा है -1। तो देखो y का वैल्यू -1 क्या होता है ना, y का वैल्यू -1 इक्वेशन क्या होता है, यही इक्वेशन कुछ आएगा ना यहाँ, अरे y इज इक्वल टू -1 पैरेलल टू x एक्सिस, नहीं यहाँ कुछ आ रहा है ना -1, यहाँ -1 और ये कितना आ रहा है ना, अगर इसको भी ड्रॉ कीजिएगा आप, तो ये कहाँ कटिंग है, 2 पे कटिंग है, ये कटिंग कहाँ है, 2 पे कटिंग है। तो चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो रहा है ना, ये लाइन और ये कर्व के बीच का एरिया हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी सीखने को मिल रहा है, परेशान नहीं होना है, कैसे कटिंग करते हैं। अभी तक तो हम लोग 2 कर्व का ही कटिंग करते थे, इसमें देख रहे हैं कि कर्व के साथ एक्सिस का कटिंग कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं। तो आपको सोचना है और देखना है, ऐसा नहीं कह रहे तो बहुत लेंदी जा रहा है, एक बार आप समझ लोगे तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये हो जाएगा ना रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इसमें तो सब कलर कर देते हैं ना। तो देखो क्या करते हैं ना, जैसे आपको ऐसा सिखाया गया था, ऐसा सिखाया गया था कि ऐसा 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 अगर रहता है तो राइट माइनस लेफ्ट, वैसे ही एक कर्व है, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, और ये इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो देखो ये वैल्यू कहाँ है ना, ये वैल्यू -1 है, तो -1 से और यहाँ 2 है, तो -1 से 2 कौन सा, -1 से 2 किसका लिए, y का, तो यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे ना, तो राइट कौन सा है, राइट यही है, तो इसमें से हम लोग x का वैल्यू रखिए, तो इसका इक्वेशन कहाँ है यहाँ, तो x का क्या इक्वेशन है ना, 2y-y2।
अ माइनस, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ है ना, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ है, इसमें भी एक्स का वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस टू, और ये हो जाएगा ना डी वाई। चलिए पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ टू वाई है माइनस वाई, कितना हो जाएगा वाई, और ये है माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस टू। यहाँ टू वाई है, यहाँ वाई, तो टू वाई माइनस वाई वाई हो गया, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस टू हो गया। अब चलिए इंटीग्रेट कीजिए, तो वाई का हो जाएगा ना वाई स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा वाई क्यू बाई थ्री, और ये हो जाएगा टू वाई और माइनस वन टू टू। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर लोगे, सॉरी इंटीग्रेट तो हो गया ना, वैल्यू पुटिंग कर लेना और आंसर देख लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे, वैल्यू यहाँ टू एक बार डालना है, फिर माइनस वन डालना है, आप माइनस डाउन कर लेना है। चलिए इसको मिटाता हूँ, चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ द सर्कल 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, विच इज इंटीरियर टू द पाराबोला x² इज इक्वल टू 4y। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन देकर ये पता करना होगा कि कौन सा फिगर ड्रॉ करें, और इक्वेशन देखने के बाद पता चलना चाहिए कि किसका फिगर ड्रॉ किया जाए। तो गिवेन इक्वेशंस लिखिए, गिवेन इक्वेशंस आर, क्या दिया हुआ है ना, 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। 4 कॉमन कर लेते हैं, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 9, x² प्लस y² 9/4 हो जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं ना 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखने से लग रहा है x² प्लस y² इज इक्वल टू r², तो क्या लिखेंगे ना, इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 3/2। ये देखने से लग गया कि इसका सेंटर 0, 0, रेडियस 3/2 आने वाला है। एंड एक दूसरा है x² इज इक्वल टू 4y, तो ये तो देखने से ही लग रहा है ना, ये आपको बताया गया था y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ना, इट इज एन इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पाराबोला y इज इक्वल टू x अपवर्ड पाराबोला
हुज वर्टेक्स 0 0। इसका वर्टेक्स पता चल गया 0 0 और इसका सेंटर 0 0, रेडियस 3/2। इसको अब लिखिए, फिगर ड्रॉ करना होगा। इतना करने के बाद हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का इक्वेशन है 4x² + 4y² = 9। और इसका सेंटर क्या है ना, 0 0, और इसका रेडियस है वो कितना आया था ना, 3/2। हाँ, तो x का वैल्यू 3/2, y तो यहाँ 0 होने वाला है ना। और एक अपवर्ड पाराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स 0 0, अपवर्ड पाराबोला जिसका वर्टेक्स, यहीं से कुछ बनेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इतना एंड इतना इंटीरियर पाराबोला, मतलब ये पाराबोला और सर्कल के अंदर जो एरिया बन रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि यही ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही इंटीरियर एरिया मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को एक कटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा ना, ये कटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, ये तो हो गया ना, उसके बाद सोल्व करने के लिए नाउ एक इक्वेशन हम लोगों का क्या है ना, 4x² + 4y² = 9, और दूसरा है x² = 4y, ये दूसरा है। हम क्या करते हैं कि यहां y का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1। यहां से y का वैल्यू क्या हो जाए ना, x² / 4, तो रख दीजिए यहां 4x² + 4, और यहाँ y का वैल्यू आएगा ना, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है ना, x² / 4, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा = 9। कितना आ रहा है, 4x² = 4x⁴ / 16 = 9। 4 4 = 16 हो गया, कितना आ गया, 4x² + x⁴ / 4 = 9। इधर आ जाते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपको 4, तो ये हो जाएगा 16x² + x⁴ = 9। तो यहाँ से 16x² + x⁴ = 36। तो यहाँ से क्या आने वाला है ना, इसको अरेंज करके लिखो, x⁴ + 16x² - 36 = 0। और इसको कैसे हम लोग लिखें, देखो क्वाड्रेटिक समझो इसको, यहाँ 4 है ना, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करने पे 36 और एडिंग करने या सब्ट्रैक्ट करने पे तो क्या आएगा, 16। हाँ, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे ना, 18x² - 2x² - 36 = 0, चलिए मिटाते इधर या इधर आ जाते हैं ना, आप लोग डायरेक्ट उधर लिखना है फिर इधर लिखना है। अरे सोल्व तो अपना से भी आप कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ अगर हम लोग कमन कर लेना x² कमन करेंगे तो x² + 18 और माइनस इधर 2 कमन कर लेंगे ना, तो x² + 18 = 0।
तो यहाँ क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 18 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी माइनस 18 नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो एक प्लस रूट 2 एक माइनस रूट 2। तो यहाँ जो कटिंग हम लोगों का आएगा, यहाँ कटिंग जो आने वाला है नॉर्मल और रूट 2, और इधर जो आएगा ना निगेटिव माइनस रूट 2। तो हम लोगों को इधर से मतलब है नहीं, ओनली इसी का एरिया फाइंड आउट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू कलर्ड एरिया क्या हो जाएगा ना 2, और कलर्ड एरिया यहाँ 0 है, यहाँ रूट 2 है, तो जीरो टू रूट टू और 0 और रूट 2 के बीच यहाँ ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, अप माइनस डाउन। अप कर्व कौन सा है, सर्कल है, ये कौन सा लिए आप एक्स एक्सिस, तो यहाँ से वाई का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से 4y² इज इक्वल टू 9 माइनस 4x², तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 माइनस 4x² अपॉन 4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 4x² बाई 2, ये हो गया y का वैल्यू। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 9 माइनस 4x² बाई 2, तो ये हो गया ऊपर वाला कर्व। नीचे वाला कर्व का इक्वेशन क्या था, नीचे वाला कर्व का इक्वेशन था x² इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो x² बाई 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² बाई 4 और ये हो जाएगा dx। तो ए टू इधर आएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 2 रूट 2, और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4x² और ये हो जाएगा 2 बाहर आया ना, तो एक खत्म हो गया, तो ये हो गया dx, इसको अलग कर लेते हैं, तो इसका 2 आएगा, 2 कैंसिल, तो 0 2 रूट 2 इतना माइनस, ये 4 बाहर हो गया ना, तो 0 2 रूट 2 और कितना, बताओ, ये मल्टीप्लाई दोनों से होने वाला है ना, इसको हम लोग अलग अलग करते हैं ना, इसको अलग, तो इसको अलग करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 बाहर हो गया और ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 यहाँ, ये 2 दोनों का है ना, तो अलग अलग करेंगे ना, तो ये 2 इसमें, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 इसमें, तो ये 2 और ये 4, 2 बाई 4, और यहाँ क्या बचा, x² dx। अब चलिए क्या करेंगे ना आप, a² - x² क्या होता है, x/2, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, देखो 2x का स्क्वायर है, क्या है 2x का स्क्वायर, अरे इसको 0 2 रूट 2, ये हो जाएगा ना a² - 2x² dx, और ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 और ये हो जाएगा x³/3 और 0 2 रूट 2, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना, a² - x² क्या हो जाएगा बताओ, तो जगह बचा है नीचे, हाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं x/2, तो x की जगह कितना है ना, x की जगह है 2x, तो 2x/2, और जो यहाँ है इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ना 9 - 4x² अब प्लस a² / 2, तो a² कितना है 9 by 2, और साइन इनवर्स x की जगह कितना 2x और a की जगह कितना 3, और इतना करने के बाद x के बगल में 2 है, तो 2 से डिवाइड, और ये हो गया 0 2 रूट 2 और
ये बाहर आ गया, तो माइनस वन बाई सिक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब और जीरो टू रूट टू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप वैल्यू पुटिंग करोगे और थोड़ा बड़ा सा आंसर आएगा, उसको आप निकालोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल सॉरी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहां जो लिखेंगे ना, गिवेन इक्वेशंस आर, एक क्या है ना हम लोगों का एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो देखने से लग रहा है ना कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा ना, इसका सेंटर हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका सेंटर कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग जीरो करेंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू वन, और यहाँ वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 1 0। तो इसको हम लोग देखे और लिखे। अब चलिए इधर आ जाते हैं, दूसरा ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगा ना, इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। यहां भी लिखिए एंड रेडियस 1, किसका स्क्वायर है ना 1 का, तो रेडियस इसका भी 1, इसका भी रेडियस 1। अब चलिए फिगर ड्रॉ आउट कर लेते हैं हम लोग। तो इसका सेंटर कितना है ना 1 0 और रेडियस 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ 1 सपोज, यहाँ 1 तो 1 0 और रेडियस 1, तो देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 है ना, तो ये इसी से मिलके यहाँ एक रेडियस 1 चाहिए ना सेंटर, तो रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना, तो एक सर्कल बनाइए ये एक सर्कल हुआ जिसका इक्वेशन हो गया कौन सा, ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एक दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, मतलब इसका सेंटर 0 0 और इसका भी रेडियस 1, तो यहाँ तो इसका रेडियस 1 मतलब यहाँ से होते हुए तो यही दो सर्कल के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये कटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं और एक एक कलर्ड एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल ऊपर का। अरे हम लोगों को ये सर्किल और ये सर्किल के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जो एरिया बना है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, और जितना ऊपर बना है ना उतना ही नीचे बन रहा है, तो इसको फाइंड आउट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं जो है टोटल दोनों के बीच का एरिया आएगा। अब इस एरिया को कैसे करेंगे ना, उसके लिए एक कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो कटिंग पॉइंट चलिए निकालते हैं, इसको लिखिए आप।
तो एक हम लोगों का इक्वेशन है x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन, और दूसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोल्व कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन टू इन द इक्वेशन वन वी गेट। तो इसमें से वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें रख देते हैं तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर और इस वाई स्क्वायर की जगह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ रखिए वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डाल दिए वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक वन इधर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा ना माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू, हाँ टू एक्स कितना हो जाएगा ना, टू एक्स इधर आएगा ना, तो टू एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन बाई टू। चलो ये हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है, मिटाते हैं तो इधर लिखिए इसको, कटिंग पॉइंट पता चल गया। तो देखो इसका एक और तरीका है ना, एक एक ही करके और चार से मल्टीप्लाई कर देते तो और आसान हो जाता है, क्योंकि ये देखो ये हाफ है ना, यहाँ डिस्टेंस टोटल वन है और ये हाफ आ रहा है, मतलब ये आधा पे पूरा काट रहा है, मतलब एक अगर एरिया कोई फाइंड आउट कर लेते हैं छोटा सा और उसको चार से मल्टीप्लाई कर दे, बट हम लोग जब हम कलर दो कर दिए ना तो दोनों कर लेते हैं। चलिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया टू इंटू कलर्ड एरिया, टू इंटू कलर्ड एरिया तो हो जाएगा टू, और कलर्ड एरिया क्या है ना, कलर्ड एरिया यहाँ जीरो से हाफ, तो जीरो से हाफ के बीच कौन सा कर्व है, तो जीरो से हाफ के बीच यही सर्कल है ये वाला, तो ये सर्कल का इक्वेशन कितना है ना, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन। और ये सर्कल का इक्वेशन है यहाँ लिखा हुआ है, और इस सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन। तो जीरो से हाफ एक्स का वैल्यू लिया ना एक्स एक्सिस का, तो यहाँ वाई का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर। यहां से हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो dx, तो ये जीरो से हाफ हो गया ना, फिर हाफ से वन करेंगे तो फिर हाफ से वन, और हाफ से वन के बीच ये कर्व है ना ये, तो इसका भी y का वैल्यू रखिए तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जीरो से हाफ हो गया, हाफ से वन हो गया ना, इसमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई है नहीं मुश्किल। तो क्या हो जाएगा ना, टू इसमें भी हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो टू हाफ, और इसको सोल्व कीजिए तो कितना आने वाला है, देखो इधर वन और माइनस, इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस वन, तो वन वन कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स। और एक ही साथ कीजिएगा वन टू वन, यहाँ भी टू से अलग अलग करिए टू से, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ क्वाड्रेटिक हो गया ना, यहाँ माइनस कमन कर लीजिएगा, माइनस कमन करने के बाद आपको बताया गया था चार से कैसे भाग दे के और फिर से माइनस को, तो फॉर्मूला लगेगा नाइन स्टैंडर्ड रिजल्ट से कर लीजिएगा, थोड़ा लेंदी है बट आपको बताया गया, अब तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो आएगा वैल्यू वही एरिया है।
क्वेश्चन लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बोर्ड में बहुत क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। ट्रायंगल का एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब देखो ट्रायंगल का एरिया हम लोग कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चा को क्या देना, अगर ऐसा क्वेश्चन दे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको समझना है कि ट्वेल्थ के सिलेबस में ओनली इंटीग्रेशन से ही एरिया निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट है नहीं ट्वेल्थ में। बट क्वेश्चन में कभी लिखता है यूजिंग इंटीग्रेशन, कभी नहीं भी लिखता है, नहीं भी लिखेगा तो आपको कोऑर्डिनेट यूज करके नहीं एरिया फाइंड आउट करना है, कैलकुलस से ही करना है। यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाई द ट्रायंगल, बाउंडेड बाई द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर -10, 13 एंड 32। चलिए उस ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका वर्टिसेस इतना दिया हुआ है, तो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर हम लोग इसको प्लॉट करें ना, तो देखो ये सोचना है कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखो यहाँ x का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू -1 और यहाँ 0 है, तो यहीं कहीं सपोज -1 आएगा ना, यहाँ यहाँ -1 और 0 और यहाँ 13 है ना, तो x का वैल्यू 1, तो देखो यहाँ जितना इधर -1 तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ, तो ये 1 हो गया ना, और y का वैल्यू 3, तो देखो यहाँ 1, 2, 3 मतलब यहाँ कुछ, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ना 1, 3 होगा, x का वैल्यू यहाँ से 1 और यहाँ से 3, ये पॉइंट होगा 1, 3 होगा। और कोऑर्डिनेट में सब बताया गया था प्लॉटिंग करना, ये तो बेसिक है। और 3 x का वैल्यू 3, तो देखो x का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ कुछ आएगा ना 3, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो देखो यहाँ y का वैल्यू 3 था ना, तो 2 बीच में कहीं आने वाला है, तो यहाँ जो हो जाएगा 3, 2, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं, और इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखो टेक्निक देखो, यहां से हम लोग यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से और यहां से भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नाम दे देते हैं, या ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया और ये ई हो गया। देखो सबका इक्वेशन हम लोग पहले ही निकाल कर रखते हैं, इसका इक्वेशन यूज होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा ना, ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का आने वाला है, तो माइंड में ये रखो कि जब भी ट्रायंगल के एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो लाइन का इक्वेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो फाइंड आउट कर लेंगे, दिया हुआ है तो कोई है नहीं, तो फिर तो यहाँ तो दिया नहीं है ना, तो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन, तो देखो वाई माइनस वाई वन कौन सा है, 0, y2 टू माइनस वाई वन 3 माइनस 0 और x2 टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना 1। कैसे करते हैं, y माइनस वाई वन तो 0 है, y2 कितना 3 है, y2 टू माइनस वाई वन तो यहाँ 0 और x2 कितना 1 और यहाँ x1 कितना माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर पर क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन बताया गया था y2 टू माइनस वाई वन इज इक्वल सॉरी डिवाइडेड बाई x2 टू माइनस एक्स वन इन टू x माइनस एक्स वन और इन टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, यही एक्स वन है तो प्लस वन।
चलिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ क्या आने वाला है, तो ये आ जाएगा ना वाई इज इक्वल टू 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 और x प्लस वन। तो ये हो गया ए बी का इक्वेशन। फिर यहाँ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ बी सीज। तो बी सी का हम लोग ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक पास कर रहा है ना लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y-y1। तो y1 कितना 3, इसके लिए y2 कौन सा 2, y1 कौन सा 3, तो y2-y1 x2-x1, तो 3-1 एंड 2x-x1 एक क्या हो जाएगा ना y-3, 3-2-1 हो जाएगा और 3-1 2 हो जाएगा इंटू कितना x-1। अब एक काम करते हैं ना y, अब देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/2 और ये माइनस इसमें इन्वॉल्व कर दो तो 1-x हो जाएगा और ये 3 उधर चल गया तो +3। तो ये इसका लिखते जाते हैं ना इक्वेशन, इसका इक्वेशन आया था ना 3/2 y इज इक्वल टू 3/2 x+1 और इसका इक्वेशन आ गया ना bc का y इज इक्वल टू 1/2 1-x+3 और फिर से इक्वेशन ऑफ ac इज तो y-y1 कौन सा है ना 0, y-y1, y2 कौन सा 2, y2-y1 फिर 0 और x2 कौन सा y-y1 हो गया ना 0 और y2 कितना 2, y1 कितना 0 फिर x2 कितना 3 और x1 कितना -1 तो मिलकर +1 और x-x1 +1 तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/4 तो 1/2 इंटू x+1। तो इसका इक्वेशन आ गया ना इसका इस लाइन का y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x+1। चलिए हम लोग तीनों साइड का इक्वेशन निकाल लिए, इसको आप लिखो फिर हम लोग एरिया निकालते हैं ना, अब मिटाते हैं इधर। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा ना, यही जो ट्रायंगल का एरिया, हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं कि यहाँ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी, फिर हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, इसमें तो ट्रायंगल नहीं है रेक्टेंगल है, सिर्फ बताते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी बी सी ई, डी बी सी ई। देखो ध्यान से, हम लोगों को ये जो कलर्ड एरिया है ना ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या किए कि ये ए बी डी मतलब ये टोटल एरिया फाइंड आउट कर लिए, फिर डी बी सी मतलब ये टोटल कर लिए, मतलब ये पूरा फिगर हम लोग कर लिए। तो पूरा फिगर का तो काम है नहीं, केवल इतना ही काम है ना, उसमें से हम लोग नीचे वाला को अगर हम लोग माइनस कर दें तो माइनस कौन सा लिखेंगे ना एरिया ऑफ, ये भी तो ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी, नहीं समझे, ये एरिया प्लस ए एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, तो टोटल एरिया माइनस नीचे वाला एरिया ट्रायंगल का एरिया। तो चलिए हम लोग करते हैं ना, तो ए बी डी मतलब ए बी डी मतलब इस ट्रायंगल में तो ए से लेकर डी, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां पॉइंट क्या आ जाएगा ना, यहां पॉइंट क्या आ जाएगा यहां, यहां एक्स क्या है 1 है तो यहां 1 हो जाएगा, हाँ यही जो डी है, और यहां 3 है तो यहां 3 हो जाएगा। अरे कहीं पॉइंट है ना, तो यहां जो 1 है तो ये नॉर्मल 1 होता है और 3 यहां वाई पे 3 होता है, तो यहां 1 है तो 1 हो गया, यहां 3 है तो 3 हो गया।
तो चलिए यहाँ माइनस वन है ना, आप चाहिए तो ऐसे वन भी लिख सकते हैं, थ्री जैसे वन जीरो भी लिख सकते हैं, वन जीरो वाई इसका जीरो और थ्री जीरो। हाँ, और ये हो गया ई और ये डी। चलो तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ क्या कौन सा पॉइंट है ना, माइनस वन, तो माइनस वन से लेकर कहाँ तक, वन तक। और माइनस वन और वन के बीच देखो, माइनस वन और वन के बीच यही कर्व है ना, ये कर्व, तो इसका इक्वेशन है तो एक्स लिए तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, थ्री बाई टू एक्स प्लस वन डी एक्स, फिर प्लस, फिर ये जो कर्व है ना, एक एरिया है डी बी सी ई, डी बी सी ई, तो उसमें कौन सा कर्व है ना, डी बी सी में कहाँ से कहाँ तक, वन से थ्री, तो वन से थ्री और वन से थ्री के बीच यही कर्व है ना बी सी, बी सी का इक्वेशन कितना है, हाफ वन माइनस एक्स प्लस थ्री। तो ये हो गया ना, माइनस करना है ना ये वाला एरिया कौन सा, ए सी ई, ए सी, तो माइनस हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अरे ये ए सी ई, तो यहाँ ए से ई तक, मतलब माइनस वन से थ्री तक, तो माइनस वन से थ्री तक, और माइनस वन और थ्री के बीच कौन सा कर्व है ना, यही कर्व है, देखो इसके बीच ये तो ये कर्व, इसके इसके बीच ये कर्व, और यहाँ से यहाँ के बीच ये कर्व, तो ये कर्व का इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट किए थे ना, हाफ एक्स प्लस वन डी एक्स। अब तो आसान है ना, इसको इंटीग्रेट कर लेना है और वैल्यू डाल देना है और वहीं आपका एरिया का आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या किए ना, आज हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाया जिसमें पाराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो उसको कैसे करते हैं, फिर हम लोग सर्कल किए, सर्कल में सेंटर जीरो जीरो नहीं हो रहा था, कुछ दूसरा आ रहा था, तो वो सब सीखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रेंगल का एरिया, जो बोर्ड में काफ़ी पूछता है। तो आज आपको होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन में हाफ काम किया गया है, उसको आप पूरा करोगे और आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप है उसमें आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर मेरा जो वीडियो उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक क्लास और बचा है इसका, तो इसमें हम लोगों का एक और टाइप का एरिया कराएंगे, जिसमें अभी तो ये क्या दिया ना, ये तो पॉइंट दिया था, वर्टेक्स दिया था, अब जो है साइड का इक्वेशन देगा और उसका एरिया, तो वो तो काफ़ी इजी है, साइड्स का इक्वेशन नहीं दिया था तो हम लोग फाइंड आउट किए थे, उसमें दे देगा तो और आसान है, उस टाइप का एक क्वेश्चन कराया जाएगा और फिर जेई का क्वेश्चन कराया जाएगा और वो हम लोगों का लास्ट क्लास होगा एरिया का। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, होमवर्क कीजिए। चलिए थैंक यू।